लुधियाना कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। गांव भटिया में हादसा, एक के बाद एक कई धमाके हुए। जैकेट और टी शर्ट बनती थी। पंजाब के लुधियाना में देर रात अचानक एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने का पता जैसे ही फैक्ट्री मालिकों को पता चला तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे। आसपास के लोगों ने भी मदद करनी शुरू की। लोगों ने पानी की पाइप लगाकर बौछारें मारी, लेकिन आग ने इतना भयावह रूप ले लिया जिस कारण फैक्ट्री में धमाके होने लगे। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। घटना के तुरंत बाद फायर कर्मचारी पहुंचे। फायर कर्मचारियों ने फैक्ट्री के आगे और पीछे के गेट पर गाड़ियां लगाई और पानी की बौछारें मारी। देखते ही देखते आग बढ़ गई। फैक्ट्री ग्राउंड फ्लोर सहित 2 मंजिल थी। आग बुझाने के समय फायर कर्मियों ने दरवाजा तोड़ा और फैक्ट्री में दाखिल हुए। घटना का पता चलते ही थाना सलेम टाबरी की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जिस फैक्ट्री में आग लगी थी उसका नाम मार्क एक्सपोर्ट बताया जा रहा है। आग की लपटें इतनी बढ़ गई थी कि बाकी साथ लगती इमारतों को भी खतरा बन गया था। वहीं फैक्ट्री में लगे शीशे धमके होने से चकनाचूर हो गए। बताया जा रहा है कि जिस फैक्ट्री में आग लगी है उसमें करीब 500 फैक्ट्री वर्कर काम करते हैं। रविवार होने के कारण आज फैक्ट्री में छुट्टी थी जिस कारण बचाव हो गया। फिर भी करीब 5 से 7 वर्कर जो फैक्ट्री में मौजूद थे उन्हें समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।